गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इंट्रोडक्शन के बारे में एंड उनकी डेफिनेशंस के बारे में और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या कॉजेस थे इस बारे में हमने देखा था कल, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, ये सब हमने कल के लेक्चर में देखा था। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सो लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक में हम अब डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और किन किन चीज़ों पर इनका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड कंट्री। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इफ़ेक्ट जो होता है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पड़ता है इंडिविजुअल सोसाइटी एंड कंट्री का। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इस चार्ट में जैसे कि हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन का इफ़ेक्ट जो होता है हेल्थ पर, सोशल कंडीशन पर एंड ऑन सोशियोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशन पर पड़ता है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है उसकी वजह से और क्या क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, कहाँ पर, एजुकेशन सेक्टर पर, हेल्थ केयर सेक्टर पर, जॉब सेक्टर पर, ये सब जो होते हैं इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, इन सब के अलावा क्राइम एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं एंड ह्यूमन साइकोलॉजी भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है जिसकी वजह से क्राइसिस जो होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी लो होती जा रही है। अब फर्स्ट वन अपन देखते हैं कि हेल्थ पर जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ का जो भी स्टाफ है, जो प्लेसेस है, वो वहाँ का जो प्लेस जो होता है वो ओवर क्राउडेड हो जाता है। वहाँ पर क्राउड जो होती है इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से सफिशिएंट जो डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, हेल्थ की टीम्स जो होती है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, उनकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें बेटर ट्रीटमेंट एंड बेटर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें जैसे क्लिनिक्स हो गए एंड जो भी बिल्डिंग्स हो गई वो भी सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवर पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उनको प्रॉपर फैसिलिटी जो होती है वो नहीं मिल पाती है। सॉरी, पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन की वजह से फूड एंड वाटर की नीड्स जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और अगर ये प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो फूड जो होता है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी हो जाएंगे एंड हमारी जो हेल्थ हो जाती है, जो हेल्थ होती है वो इससे इफ़ेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सोशल कंडीशन पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सोशल कंडीशन पर। पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने के कारण पॉपुलेशन जो परचेजिंग जो पावर है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, स्टार्वेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, अपने हंगर जो होते हैं उसकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, डेली जो लाइफ होती है, बेसिक जो नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए सोशल क्राइम्स करने लग जाएंगे, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया। प्रोस्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा जिससे जॉब पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, बैगर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे जिसकी वजह से, और स्मगलिंग का काम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पॉपुलेशन जो है जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी जॉब की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और अगर जॉब ही नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, मनी को अर्न करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएगी, बैगरिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उनको, और क्या होगा, स्टीलिंग की कंडीशन भी देखने को मिलेगी।
और क्या होगा इसमें, डेलिक्वेंट जो बिहेवियर है वो होगा। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे। इन सब की वजह से लोगों में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होने लग जाएगा। लोग क्या करेंगे, उनका बिहेवियर जो होता है वो बिहेवियर डिसऑर्डर्स होने लग जाएंगे। जैसे बिहेवियर जो है वो रूड हो जाएगा, रूड बिहेव करेंगे, उनका बिहेव में सैडनेस हो जाएगी, एग्रेसिवनेस आ जाएगी, और समटाइम्स वो क्राइम्स की तरफ भी इनक्रीज बढ़ने लग जाते हैं, जैसे लाइक मर्डर हो गया, और प्रोस्टिट्यूशंस की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, प्रोस्टिट्यूशन इज द बिजनेस और प्रैक्टिस ऑफ एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। तो प्रोस्टिट्यूशन के बाद में क्या होगा, वो ट्रिकलिंग वाली प्रॉब्लम्स जो है होने लग जाएंगी, और क्या होगा उनको, जो भी प्रोस्टिट्यूशन की वजह से ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, और लोग क्या होते हैं वो क्राइम्स करेंगे, जिसकी वजह से जो वो रूल्स जो होते हैं वो उनको ब्रेक करने लग जाएंगे, लॉज पॉलिसीज़ जो होती है उनकी, उनको सबको ब्रेक करने लग जाएंगी, ब्रेकिंग ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़ हो जाएगी, एंड वायलेंस हो जाएगा। वायलेंस में क्या होगा, द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स सो एज़ टू इंजर, अब्यूज़, डैमेज और डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है उस पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है इसकी वजह से क्या होगा, पॉवर्टी एंड स्टार्वेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हो जाएगा। तो एक्सप्लोज इसमें क्या होगा कि जो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट में अपन देखें तो क्या होता है कि पॉजिटिव पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इंक्रीज होने की वजह से, इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल की वजह से हमें जो भी लेबर चाहिए या जो भी वर्कर्स चाहिए हमें काम करने के लिए, उनका फुलफ़िल हो रहा है, उनके मार्केट में उनकी डिमांड जो होती है वो बढ़ती जा रही है, उनका इंक्रीजमेंट होता जा रहा है, तो उनकी जो नीड्स होती है वर्कर्स की वो फुलफ़िल हो रही है। ये हमारा पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो गया। लेकिन नेगेटिव, बट इसमें अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट में देखेंगे साइड इफ़ेक्ट जो, वो क्या होगा कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि मास पॉवर्टी इंक्रीज़ होती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हंगर, बेरोज़गारी, इन सब की प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन जो होता है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, उससे क्या होगा, लोगों में जो इनकम होती है वो इनकम में कमी आती जा रही है, वो डिक्रीज़ होती जा रही है, पर्सन जो होते हैं वो जॉब लेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी कॉज हो रही है, एंड पॉवर्टी की वजह से डेली की जो नीड्स होती है लोगों की वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, हंगर की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है कि इसमें स्टार्वेशन की वजह से जो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी रेट जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और मोर नीड्स टू हैव अ ब्रेड अर्नर्स जो होते हैं उनकी जो नीड होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। पॉपुलेशन जो होता है, मोर पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब लोगों को रहने के लिए प्रॉपर लैंड जो होता है उनके लिए प्रॉपर जगह जो होती है वो अवेलेबल नहीं हो रही है। तो लोग क्या करते हैं, तो जो भी फॉरेस्ट होते हैं उनको डिफॉरेस्ट कर रहे हैं अपने रहने के लिए, जिससे क्या होगा कि लैंड जो होता है पॉल्यूट हो जाएगा, लैंड का पॉल्यूशन होगा, ठीक है। और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिससे क्या होगा, और ना ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर जैसे कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो फेस करनी पड़ती है, एंड फ्लड्स जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं।
और इससे क्या होगा, हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड हेल्थ सर्विसेज की नीड्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। और इससे क्या होगा, वाटर बॉर्न डिजीजेज भी हो सकती हैं जिससे कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन से जो होता है हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हम देखते हैं, जैसे कि हमने चार्ट में देखा था अभी, सम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड कम्युनिटी। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कॉजेज मोर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड स्टारवेशन। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, पॉवर्टी एंड स्टारवेशन की प्रॉब्लम्स जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ऑल दीज फैक्टर्स हैव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये इंडिविजुअल की हेल्थ पर इफ़ेक्ट करते हैं, के विच इज़ टर्न फर्दर इंक्रीजेज इकोनॉमिक बर्डन ऑन द फैमिली, ठीक है। फॉलोइंग इम्पैक्ट कैन बी सीन, कौन कौन से इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं हमें, पॉवर्टी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, इलिटरेसी, लैक ऑफ नॉलेज हो जाएगा, अफेक्टिंग द अर्निंग कैपेबिलिटी जिसकी वजह से हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, स्टारवेशन होगा, स्टारवेशन की वजह से क्या होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, जिससे मोर इकोनॉमिक बर्डन, मतलब इकोनॉमिक जो बर्डन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट है मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है वो इंक्रीज होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बर्डन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑन नेशन, नेशन पर जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ का जो बर्डन होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मोर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन करने लग जाएंगे लोग, अगर उनको रहने के लिए लैंड प्रॉपर नहीं मिलेगा, उनको अपने रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनके लिए प्रॉपर जगह अवेलेबल नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, जो भी फॉरेस्ट होंगे उनको क्या करेंगे, डिफॉरेस्ट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, एनवायरमेंट जो होता है वो पॉल्यूशन होगा एनवायरमेंट का, और मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी इंक्रीज होने लग जाएंगी, और जिसकी वजह से मोर इकोनॉमिक बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन भी फिर जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है मोर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की वजह से क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा कि मोर सोशल क्राइम्स, जो भी सोशल क्राइम्स होते हैं वो इंक्रीज होने लग जाएंगे, जैसे ट्रैफिकिंग बढ़ने लग जाएगी, स्मगलिंग बढ़ने लग जाएगी और प्रोस्टिट्यूशंस की प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी, ये सारे जो भी क्राइम्स होते हैं ये इंक्रीज होने लग जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है, जैसे ये जो पिक्चर है कि इसके ट्रैफिकिंग जिसमें स्मगलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, लोगों को रहने के लिए जैसे लैंड नहीं मिलता है तो वो अपने रहने के लिए क्या करते हैं, फॉरेस्ट होते हैं उनको डिफॉरेस्ट कर देते हैं, वनों की कटाई करने लग जाते हैं वो। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाती है, क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है ज़्यादा, तो इस वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाती है। नेक्स्ट, फ्लड्स पर फिर से भी इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है। और क्या हो सकता है, वाटर बॉर्न डिजीजेज हो सकती है जिसकी वजह से, जैसे कॉलेरा हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, पोलियो हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो फेस करनी पड़ेगी, जो हमारे किसके जिससे क्या होगा, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाएगी जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल की, ओवरऑल डेवलपमेंट। पॉपुलेशन कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाय ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। इट मीन्स वुमेन नीड टू बी एम्पावर्ड एंड दे शुड बी डेवलप्ड सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली, सो एज टू डिसाइड एंड टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू हैव स्मॉल साइज फैमिली।
which helps to reduce the population growth and achieve the population control. तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो होता है वो अचीव करने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं क्या स्मॉल साइज जो फैमिलीज होती है. ये सारे मेजर्स होते हैं कुछ सोशली, जो इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली, जो ये सारे मेजर्स होते हैं ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. कुछ मेजर्स होते हैं, मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो पॉपुलेशन जो का जो एक्सप्लोजन होता है वो कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे कि सोशल मेजर्स हो जाएगा जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक मेजर्स हो जाएंगे जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड होगा, नेक्स्ट अदर मेजर्स हो जाएंगे. और इन सब मेजर्स को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा कि मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ये सारे जो मेजर्स होते हैं अगर ये कंट्रोल हो जाएंगे तो ये सब किसको कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में ये सब हेल्प करेंगे. तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं कि सोशल मीडियाज जो होते हैं उनमें क्या होता है. सबसे पहले सोशल मीडियाज की अपन बात करते हैं. तो सोशल मीडियाज में जैसे क्या ले सकते हैं अपन, मैरिज एज ले सकते हैं फर्स्ट, ठीक है. उससे जैसे मिनिमम लाइक 21 जैसे करके, तो अपन अगर उसकी एज को बढ़ा दें तो ये भी हेल्पफुल हो सकता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है. और प्रॉपर एजुकेशन इसमें आ जाएगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाएगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी के थ्रू भी हम, इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन जो होती है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. अगर सोसाइटी के लोग बर्थ रेट जो होता है वो इंक्रीज ना करके अगर एडॉप्शन जो होता है इसकी जो इसको प्रायोरिटी देते हैं, एडॉप्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो क्या होगा, बर्थ रेट जो होती है वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम्स जो होती है वो को कम कर सकते हैं ये सारे मेजर्स. और चेंज इन सोशल आउटलुक, सोशल सिक्योरिटी, इन सब से भी क्या होता है, पॉपुलेशन जो होता है वो कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट है इकोनॉमिक मेजर्स. इकोनॉमिक मेजर्स में क्या होगा, जैसे जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, ले लो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगी में इंक्रीजमेंट होगा, तो क्या होगा उतनी ही ज़्यादा लोगों में जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स की जो नीड्स होती हैं वो भी बढ़ने लग जाएगी, फुलफ़िल उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स की नीड्स होते फुलफ़िल नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा वो अपनी डेली की जो लाइफ रूटीन है, लाइफ स्टाइल्स होते हैं और जो बेसिक नीड्स होती हैं उनकी, वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, वो अब बेरोज़गार होंगे जिसकी वजह से उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, वो एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, किसी चीज़ के प्रति अवेयर नहीं हो पाएंगे, और उनकी जो इकोनॉमिक जो भी वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी. और इमिग्रेशन जैसे इंक्रीज होने लग जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, जैसे लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहे हैं, माइग्रेट नहीं होंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि ना एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं, प्रॉपर एजुकेशन के लिए या मनी अर्न करने के लिए जाते हैं, तो उनको वो सब फैसिलिटी यहीं मिल जाएगी, तो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट नहीं करेंगे. और जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो एजुकेटेड भी होंगे, उनकी लाइफ स्टाइल्स लिविंग पैटर्न्स चेंज होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी, एंड वो अपने फैमिली के जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं जैसे स्मॉल फैमिली, उनको फॉलो करेंगे, और उनके जो भी सोशल जो भी बिलीव्स होते हैं उनके वो भी चेंज होंगे, और थॉट्स वो भी चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो होता है वो कंट्रोल में आ जाएगा. और अदर्स में अपन देखें तो क्या हो सकता है, जैसे लेट मैरिज कह सकते हैं, और सेल्फ कंट्रोल हो गया, फैमिली प्लानिंग होगी, रिक्रिएशनल हो गया, फैसिलिटीज़ और पब्लिसिटी और इंसेंटिव्स हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट टू वूमेंस. अगर लेट मैरिज हो तो ये क्या करता है, लेट मैरिज होने से क्या होगा कि रिप्रोडक्शन का जो पीरियड होता है उसको कम करने में हेल्पफुल होता है ये, जिससे क्या होगा बर्थ रेट जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी,
और जो सेल्फ कंट्रोल है ये क्या होता है, ये भी एक मेथड होता है, प्रिवेंटिव मेथड है। और फैमिली प्लानिंग जो है, इसमें क्या होगा, जो भी एलिजिबल कपल होते हैं, जो भी न्यू कपल्स होते हैं, अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करते हैं और तो ये क्या होगा, बर्थ रेट को डिक्रीज कर सकता है। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी में क्या होगा, किसके थ्रू हो सकता है, ये थ्रू मास कम्युनिकेशन, लाइक जैसे न्यूज़पेपर हो जाएगा, टेलीविजन्स हो जाएंगे, रेडियो और पोस्टर्स, इन सब से क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनसे लोग क्या होंगे, अवेयर रहेंगे और उनको उन चीज़ के बारे में नॉलेज होगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो उन सबसे अवेयर रहेंगे। और क्या होगा, बर्थ रेट जो होती है वो डिक्रीज होगी। इन सब से क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स में देखें तो इंसेंटिव्स में क्या हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू जो भी इंसेंटिव्स मेथड्स यूज़ में लाए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग्स जो होती है, फैमिली प्लानिंग मेथड जो होता है जिसके थ्रू लोगों में कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है वो कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट हो गया वुमेन के जो भी है एम्प्लॉयमेंट होता है, वो एम्प्लॉयमेंट वुमेन जो होता है, वो वुमेन्स को जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनकी जो जितनी ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वो क्या करेंगे, उतनी ही ज़्यादा एजुकेटेड होंगी। और वो अपना एजुकेटेड होने की वजह से क्या होगा, वो अपना डिसीजन जो होता है वो खुद ले सकेंगी। और फैमिली प्लानिंग मेथड जो होते हैं उनका यूज़ भी करेंगी और उनके बारे में भी वो अवेयर होंगी, ठीक है। तो ये सब कुछ मेथड्स होते हैं और सोशल मेजर्स होते हैं, जो इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं और जो अदर्स में जैसे बताया लेट मैरिज, सेल्फ कंट्रोल हो गया और फैसिलिटीज़ हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट वुमेन हो जाएगा और इंसेंटिव्स हो जाएंगे। इन सब को अगर अपन कंट्रोल कर लेते हैं, इन सब मेजर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो क्या होता है, ये सब मेजर्स होते हैं हेल्पफुल होते हैं टू कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, ये सब मेजर्स हेल्पफुल होते हैं। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।